हत्याला हिंसा केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पंजाब पुलिस ने मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को दबोच लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरजिंदर सिंह परवाना पकड़ा गया है। पुलिस ने आज सुबह बरजिंदर सिंह परवाना को 7:30 बजे मोहाली में गिरफ्तार किया है, मोहाली से पकड़ा गया है। मुंबई से मोहाली आते वक्त उसे पुलिस ने दबोचा, उसे पकड़ लिया गया है। ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, बरजिंदर सिंह परवाना पकड़ लिया गया है मोहाली में। मोहाली में ये गिरफ्तारी हुई है। ये मुंबई से मोहाली पहुंचा लेकिन वहां पर इसको पकड़ लिया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, 29 अप्रैल को हिंसा हुई थी जहां पर शिवसेना बाला साहिब ने विरोध मार्च निकाला था। पहला इस खबर पर मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मंजीत, गिरफ्तारी हुई है, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई और अब आगे क्या कार्रवाई? देखिए राजीव, ये गिरफ्तारी आज सुबह हुई है और गिरफ्तारी को हालांकि अभी पंजाब पुलिस के अधीक्षक ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बरजिंदर सिंह परवाना को पटियाला लाया जा रहा है। उसको अभी बकायदा मेडिकल होगा, उसके बाद आईजी मुखविंदर सिंह सीना जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी दी जाएगी। पीछा के बाद जो परवाना है वह कहाँ कार हुआ था, कौन कौन से क्या साजिश हुए, शामिल भी शामिल है या फिर वही इसका मास्टर माइंड था, तो कुल मिलाकर इसमें अभी तक दुर्दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है और अभी तक गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर सिर्फ 3 लोगों की हुई, बाकी लोगों की हर अब तक 3 गिरफ्तारी हुई। लेकिन मंजीत, जरा इस परवाना के बारे में बताइए कि ये कौन है, क्या इसकी भूमिका रही इस पूरे के पूरे वाक्य में? बरजिंदर सिंह परवाना खुद को एक परिचर मानता है और काफी अच्छे से खालिस्तानी समर्थक और भाषा अपनी देश में कहता आया है। इस वायलेंस से पहले भी एक दिन कुछ एक वीडियो करते आए थे, प्रोवोकेटिव थे जो, और जिसमें उसने लोगों से आग्रह किया था कि वे गुरुद्वारा पहुंचे और उसके बाद शुक्रवार को काली माता मंदिर के बाद दोनों ग्रुपों में झड़प हो गई। और जहां तक इसके व्यक्तिगत जीवन की बात है, इस पर पहले से भी 4 आपराधिक मामले चल रहे हैं जिसमें अटैम्प की मर्डर, आर्म टैक्स और धमकी देना और इस तरह के कई मामले शामिल हैं और वो इसकी चीज है और उसमें भी अभी कई मामलों में जो ये जांच चल रही है। हालांकि एक मामले में जमानत पर छोटा था, लेकिन अब ये सारे मामले में जो जांच फिलहाल जारी है, उसके बाद ये घटनाक्रम क्या हुआ, क्या भूमिका थी, ये जांच में फिलहाल इस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। मंजीत, क्या खालिस्तान से भी कुछ इसका कनेक्शन? इसके पीछे एक जो मामला दर्ज हुआ था जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि वो खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी ये साबित नहीं हो पाया है। 2007 में ये जब रहकर लौटा था, उसके बाद इसने अपने समूह बना लिया और जिस समूह से ये संबंध रखता है उसे के जनरल सिंह भिंडरा वाले भी ताल्लुक रखते हैं। उनके लाकर जांच अभी जारी है और दूसरे किन गुटों से इसका संबंध रहा है, क्या विदेशों से जो आरोप लगे हैं फंडिंग के वो सही या नहीं, जांच के बाद। जी मंजीत, यानी कि अब हर पहलू पर अब पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मोहाली से इसकी गिरफ्तारी हुई है लेकिन अब इसको पटियाला ले जाया जा रहा है जहां पर पुलिस इससे पूछताछ करेगी।